का फोन आ रहा है यार, ये काम के बीच में। हेलो हेलो, हाँ नीलू मैं बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त बिल्लू सांडा। अरे सांडा तू जिंदा? मैंने सोचा तेरे घर से निकाल दिया तुझे। अरे यार वो नहीं यार, निकाला वाला कुछ नहीं है, अबे मैं खुद छोड़ के आ गया हूँ यार, तेरे भाई की बात है। अब ये बता क्या कर रहा है तू? अरे इधर तो तेरे भाई का बहुत तगड़ा काम चल रहा है, स्कीमों से बाहर बहुत तगड़ा काम चल रहा है तेरे भाई का, फुल सेट वाला। अरे मुझे पता है भाई तेरा क्या बिजनेस चल रहा है वो। अरे मेरी बात सुन, मेरे लिए इससे बढ़िया स्कीम है तेरे मेरे और हमारे दोस्त जोरावर के लिए। कौन सी स्कीम ला तो अब नहीं बता। ये कब तक हम 2-4-5 हज़ार छोटे काम करते रहेंगे, लोगों की गुलामी करेंगे? मैंने कोई ऐसी स्कीम बनाई है रात भर बैठ के कि एक ही झटके में हम अमीर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। पर भैया कहीं फसवा मत दिए यार, कहीं मेरे मुझे इस काम से भी तू बेदखल कर दे यार। भैया तू एक काम कर, जल्दी से ये जोरावर को पटा ले अपने साथ, और तो चूतिया सा नहीं पड़ जाएगा यार, पटा के ले आ ठीक है, और हमें वो बड़े वाले रेस्टोरेंट में मिल। मिलते हैं फिर। ओके जल्दी आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। आ रहा हूँ मैं भी। ले भैया निकल लिया मैं बस। अबे सारे अभी तक आए ना यार, दोनों कहाँ गए? सालों को बुलाया, आएंगे भी या मेरा चूतिया काट जाएंगे? नंबर मिला के देखो ससुरों का। और क्या लुल्लू का फोन आ रहा है सांडा का। अरे हाँ, अरे लुल्लू पहुंच गया यार बस। कहाँ रह गए, आ जाओ। रेस्टोरेंट के बाहर ही है, थोड़ा दूर ही है हम, आ गए बस। अबे इतना महंगा रेस्टोरेंट, ये बिल चुको आप ही देगा, ये बर्तन धोएगा हमसे यार, ये मुझे ना लग रही है बिल्कुल भी। सब देखते हैं अंदर। अरे भाई लुल्लू तूने हमें यहाँ बुला तो लिया, कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमें इतने महंगे रेस्टोरेंट में बुला तो लिया तूने। पैसे वैसे है कि ना है? तुम बड़ा चिंता करे हो यार, तुम लोग के पास बहुत पैसा है, तू बस देख लियो अभी। अभी बुलाऊंगा बेटर को, उसको दूंगी 100 के पत्ता, और देख लो कैसे हमारे आगे पीछे नाचा फिरेगा। अभी भैया बेटर भैया इधर आना, अभी देखिए तुम। हाँ बेटर ये लो 100 की पत्ती रखो, और अभी हम ऑर्डर देंगे, जो बचेगी तुम्हारी टिप है। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी हमें लो, तुम ऑर्डर करो जो तुमने खाना है, भाई का दिल बहुत बड़ा है, देखिए तुम। भाई जोरावर तू ही देख ले भाई, मुझे तुम कुछ पल्ले पड़ रही है, इसमें क्या लिखा? अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है, तुम ही कर दो ऑर्डर, जो भी आओगे हम खा लेंगे। अबे अंग्रेजी में कहाँ से आया तुमको, जब अब्बा ने कहा पढ़ लो नौकर ने, तब तो तुम शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई देखने भाग गए, कहाँ से आएगा? मैं करता हूँ देख ऑर्डर। अबे यार ये तो बहुत ही टफ इंग्लिश में है, ये तो मुझे भी नहीं आएगा यार। तेरे को वैसे कुछ याद नहीं है, वैसे ही बोल दे। वैसे वो चीली पीली नीली पनीर है, आता ना लाल सा, लाल सा वो खिलमा भाई। अरे सर चीली पीली नीली पनीर नहीं होता, वो चिल्ली पनीर होता है। एक काम कर, वो चीली पनीर हम तीनों के लिए एक एक प्लेट ले आ। सर आपने दिए 100 रुपए, वो एक ही प्लेट 550 की है। 550 की? अबे क्या थाईलैंड से मंगा रहे चिली और पनीर? हाँ भैया कैसे इतना महंगा? सब कुछ महंगा सर, यहाँ पे ये जो पानी पी लो ना, ये भी 90 रुपए की बोतल है। 90 रुपए की ये पानी की बोतल? और क्या। अबे मैं तो सोचा तुमने कहीं सरकारी नल से धर के रखा हुआ यहाँ पे हम खाना खाने के लिए। भैया यहाँ तो सच में बहुत महंगा है। अरे भाई चल रहे यहाँ से, लग रहा तो हमारे बर्तन वर्तन बिकवा गए हमारे यहाँ से भी, अब चल रहे हो, कितनी बेइज्जती करवागा हमारे यहाँ, उठ ले अब यहाँ से चल रहे कहीं बाहर ठेले ठूले पे खा लेंगे कुछ। चल भैया हमें पिटवागा लग रही है। अबे बैठो बैठो सुन लो, अबे 90 रुपए दिए अपने पानी के, अब मैं बैठूंगा यहाँ 5 घंटे एसी में और आराम से बात करूंगा, अब ना कोई यहाँ से निकालेगा, देखिए तू बस तुम यहाँ बैठो। भैया मुझे गड़बड़ लग रही है सर, आपके 10 रुपए बचे हैं वो मैं रख लूँ? अरे ऐसे कैसे रख लूँ, वो 10 तो मुझे चाहिए, मुझे टिप में टिप नहीं देनी मैंने, मुझे 10 भी चाहिए, हम तानसेन खाएंगे जाके, और मैं बैठूंगा यहाँ 5 घंटे, अब मुझे डिस्टर्ब मत करियो, 90 रुपए का पानी लिया है मैंने। अरे यहाँ कोई ऑर्डर करे बिना कुछ नहीं बैठा जाता, चलो चलो। ऐसे कैसे नहीं ले रही है, आ गया स्वाद तुझे, करवा दी बेइज्जती हमारी तूने, अब गांव वाले देखेंगे पूरे गांव में बेइज्जती हो गई हमारी। अरे ऐसे कैसे तू देखियो मेरे को जान दे, अब अभी ससुरों को बता के आता हूँ, अभी उन्होंने सांडा को जाना नहीं है, तुम बस यहीं देखो, 2 मिनट में आया मैं। ले भैया आ गया तू, अब भाई ले यहाँ से। भाई सुनो मेरी बात, यहाँ से अभी निकल लेते हैं, आज मेरा दिन ना है, बाद में बात करेंगे फिर किसी दिन। चलो
अरे भाई लुल्लू सांडा, अब लाया तो अपनी औकात की जगह, यहाँ बढ़िया यहाँ कुछ खा लेंगे बैठ के आराम से। सांडा तुमने तो वहाँ बेइज्जती करा दी हमारी। अरे बेइज्जती कैसी यार, वहाँ कौन सा कहाँ चार आदमी ने हमें देखा। बेइज्जती वहाँ होती है जहाँ हमको चार आदमी देख ले। अरे कोई ना जानता कि हमें कहाँ किसने क्या हुआ, क्या हुआ हमारे साथ, कोई ना जानता। यहाँ देख लिया लुल्लू सांडा भी। तुम तीनों साला वो ही हो जो तुम्हें होटल से भी भगाया जहाँ से। तुम तो कह रहे किसी ने ना देखा, ठेले वाले तक बात पहुँच गई है तो पूरे गाँव में फैल जाएगी बात अभी हमारी। अबे तू ज्यादा बोल रही है, तेरे को ज्यादा पता है। बताओ मैं तेरा बाबा सिर कैसे ठीक हुआ, बुलाओ तांत्रिक को, तू क्या क्या करे है। अरे यार तुम उसको छोड़ो, मैं जिस काम के लिए बुलाया वो सुनो। अरे भाई ये बात तो जमी नहीं यार, मैं तो बड़ी मेहनत है। अरे जमी क्या यार, सिंपल सा है सीधा। देख हम सरकारी नौकरी करेंगे, हमें 10-12 हज़ार की नौकरी मिली, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे एक ही दम में हम वो हो जाएंगे करोड़पति लखपति, फिर चलेंगे थाईलैंड, थाई मसाज कराएंगे। ठीक है, हो रेडी फिर? रेडी, यस यस यस। खबरदार जो कोई हिलने की कोशिश करा। अबे तुम तो हिल लो, तुम्हें थोड़ी बोला मैंने, हम तुम्हें लूटने आए हैं। अरे कीमती सामान अपना बाहर निकालो और यहाँ पे रखो। प्लीज हमारे गहने पैसे मत लूटो, चाहे तो कुछ और लूट लो। सांडा भाई देख लो, ये मेरा ध्यान भटका रही है। अबे यार यही तो हम गलती करते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं हम लौंडियों के चक्कर में पड़ के अपना काम भूल जाते हैं। हमें ये भूलना नहीं है, हमें जो लूटने आए हम लूटेंगे, हम पैसा लूटेंगे। ये तो मुझे वैसी करेक्टरलेस लग रही है, मुझे तो शक्ल से ही लग रही है। अबे ये दोनों बच्चे तेरे हैं, एक तो ये तेरे पति का लग रहा है, दूसरा किसका है बे? मैडम जी आपकी चाय। अच्छा अब समझे ये किसका है। चलो चलो हम इस पर ध्यान नहीं देते, हम कमरे, तुम उस कमरे में जाओ, तुम उस कमरे में, तुमको गन पॉइंट पे लेता हूँ जल्दी। सांडा भाई सब लूट रहा है उसमें अंदर से, मैं बस एक गंदा सा पुराना सा नोट रह गया 10 का वहां पर, बस मैंने कहा कि इतना सब लूट लिया है तो उसका क्या करना है। अबे यार यही तो तुम लोग गलती करते हो, हम क्या करते हैं अगर थोड़े से पैसे आ जाए बाकी पैसे को हम भूल जाते हैं। ऐसे कैसे, वो 10 का नोट मैं लेके आऊंगा, जाना नहीं है जब तक वो 10 का ना लेके आऊं मैं, इंतजार करो तुम लोग। अरे अरे ये सांडा पागल हो गया, ये हमें फिर फंसवाएगा, हमें फिर फंसवाएगा ये लग रहा है मुझे। अब यही अलमारी लगती है, नहीं देखता। अबे कहाँ छुपी है, कहाँ छोड़ा उनने। अरे ससुरे मिल गया, 10 रुपए छोड़ रहे थे ससुरे। मैं ना छोड़ू चवन्नी, हाँ यार इसको छोड़ के आ रहे हैं। ले रही है ले लिए भेजे तूने, हंसवा देना फिर हमें, और ले ले 10 का नोट, तू 10 का नोट रह गया तो क्या हो गया था। आ जा भाई आ जा, तुझे बना लुटेरा आ जा। तो भैया तुझ पे ना होता हमें भरोसा, अब तू फिर टंगवागा लग रही है हमें। अरे कुछ ना होता, अभी देखियो आन दे उसको इंस्पेक्टर को, मैं बात करता हूँ। नाम चलता है मेरा, नाम बिल्लू सांडा, नाम ऐसे थोड़ी ना है। लग जाएगा बता भैया, वो भी अभी देख लेंगे। अरे सर पहचाना मुझे, मैं बिल्लू सांडा। कौन है तू, कौन बिल्लू सांडा, चल चल चल। हवलदार भरो साला को जिम में। ले भैया तू तो कह रहा था तेरी बड़ी बात है पुलिस वालों से, फंसवा देना तूने फिर से। कोई बात बात ना इसकी, ये खागल थाली पागल बनाता है हमें, इसके चक्कर में आज फिर फंस गए हम। यार तुम बड़ी चिंता करो यार, अबे मेरी इन छोटे मोटे पुलिस वालों से बात थोड़ी ना है, मेरी बात सीईओ से है,
अभी पहुंचने थे थाने, जैसे ही वो सुनेंगे ना मैं आया हूँ, देखियो कैसे चाय पानी कुर्सी देंगे हमको। तुमने अभी देखी ना मेरी बात, अभी पहुंचने दो थाने, कैसे स्वागत करते देखियो हमारा। अरे चुप रहो सालो, हल्ला करोगे तो खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी में। भैया तेरे चक्कर में ना पड़ना बिल्कुल भी, तूने तो पूरा पिटवा दिया थाने में ला के, देख रहे पिछवाड़ा के तो सूझ रहा मेरा पीछे को देख रहा। अबे तो उसमें मैं क्या करूं, पैसा तो तीनों कमाने गए थे ना, तीनों ही कमाते हैं। ऐसा पैसा कमाना तो बिल्कुल भी सही कह रहा, ऐसा पैसा ना चाहिए हमें। टांडा भाई वो देखियो जरा, वो सामने से बैठा वो चुतिया सा लग रहा है, देख लियो कि 10-20 रुपए के मान जाए तो वो हम यहाँ से निकल लेंगे। अबे यार इसकी शक्ल देख के ना लग रहा साला खुद जला हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो उल्टा हमसे कहेगा कि मेरा प्रमोशन करवा दो कहीं। भैया तो सही रहा, इधर काला है नागालैंड से आया है। चलो तुम्हें नागालैंड से लाया हूँ लगता हूँ तुम्हें, है तुम्हारी भाषा नहीं समझूंगा मैं, अभी बताता हूँ। अरे हवलदार साहब बात सुनियो यार हमारी, यार बड़ी तेज मार रहे हो यार, जिम विम कर रहे हो क्या तुम, देख रही है तरबूजों के हाल हमारे, तो हल्का याद रख लो यार। तो भैया तेरे चक्कर में ना पड़ना, तूने तो पूरा तरह पिछवाड़ा सुझवा दिया, देखिए जरा तेरा सूरती लेने आया था, मैं तो वहीं से घर चला जाता तो अच्छा ही रहता मैं तो भैया, मैं ना आने का हूँ तेरे चक्कर में दोबारा कभी। सही कह रहा भाई तू, इसके चक्कर में ना पड़ना था, इसके चक्कर में पड़ गया, क्या हालत होगी, इस साले ने तो बिटवा दिया बिना मतलब गई, अच्छा खासा मैं भी घर पे सो रहा था और देखो क्या हालत कर दी पिछवाड़े की। तुम सही कह रहे हो यार भैया दोनों, मैं ही हूँ तुम लोगों का गुनहगार, मैंने ही तुम लोगों को फंसवाया, चिंता मत करो अभी आन दो इंस्पेक्टर साहब को, मैं उनको बुलवा के सारा अंजाम अपने सर ले लूंगा और तुम दोनों को छुड़वा दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो आन दो इंस्पेक्टर साहब को अभी। अरे भैया मैं तो इसे बड़ा गलत आदमी समझ रहा था, तू तो बड़े दिल का बड़े साफ है यार भैया, यार तू तो यार मैं तुझे बहुत गलत आदमी समझ रहा था यार भैया। सही कह रहा भाई, तेरी शक्ल से कितना भी कमीना हो लेकिन दिल का बड़ा साफ है ये। अभी तुम लोगों को पता लगेगा कितना शरीफ हूँ मैं। हाँ भाई जय हिंद सर, क्या हाल है लुटेरों का? सर देख लीजिए, हाँ भाई कौन है तुम में से तुम्हारा लीडर? इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं हूँ कुछ भी, ये दोनों ही लीडर, इन्होंने रची साजिश सारी, इन दोनों ने मुझको फंसवाया है काम, कसम से मेरे को छोड़ दो इनको पेल दो भले ही। Oh no! अरे भैया क्या कह रहा है तू, ये अभी तो बड़ा शरीफ बन गया था, हमारे इल्जाम अपने सर पे ले रहा था, तो भाई यार ये कैसा काम है, कैसा भाई है तुम्हारा यार? देखा पहले भी कह रहा था ये शक्ल से भी हरामी है और निकला भी हरामी, इसने हरामी पंथी दिखा दी ना। सही कह रहा भाई, अभी जब क्या बोल रहा हूँ, तुमने किया है ना बड़ा लंबा भेजूंगा तुम्हें, एकदम डंडा देख लो कितना लंबा है, कहां तक जाएगा, हजार कर इनकी जम के। जी साहब। अरे साहब जी तुमने लुल्लू सांडा और उसके साथियों को छोड़ तो दिया है, लेकिन वो कोई ना कोई कांड करके जरूर बुलाएंगे, फिर 4 दिन बाद फिर यहीं मिलेंगे तीनों। कोई बात नहीं आन दो, देखते हैं इस बार, आने दो उनको इस बार, देखता हूँ उनकी खातिरदारी अच्छे से करूंगा। अरे भैया इस सांडा के चक्कर में तो पता नहीं कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, लोगों का गोबर भी उठाना पड़ रहा है। ले भैया तेरा क्या क्या काम करवा रहा भैया। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए। हेलो हेलो, हाँ पहचाना, क्या हाल है? मैं बोल रहा हूँ लुल्लू सांडा। अबे तू अभी भी हमारी कुंडली में बैठा है, अब क्या चाहिए तुझे? अरे उस चीज को छोड़, मैं मानता हूँ वो टाइम थोड़ा बुरा था, मैं थोड़ा लालच में आ गया था, इस वजह से वो हो गया, मगर अब सुन, अब मैं एक नई स्कीम लाया हूँ, वो ऐसी स्कीम है जिससे कि हम करोड़ों में, मतलब एक झटके में करोड़पति बन जाएंगे। ना भैया तेरे 10 रुपए के चक्कर में लोगों का गोबर उठाना पड़ रहा है, कोई नौकरी भी ना दे रही है, बुरी हालत हो रही है, कपड़े फटे पहने, बुरी हालत है भैया। देख लो मैं तो ये सोच रहा हूँ उस स्कीम में तुम मेरे साथ पिटे थे, अब अगली स्कीम में तुम्हारे साथ मेरा भला हो जाए, तुम सबका मेरा सबका, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिलके वो काम करें, अगर तुम नहीं करोगे मैं किसी और को जोड़ लूंगा,
फिर उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा फिर तुम मेरे पास आओगे, आगे कहोगे यार मुझे रख लो ये वो। देख लो मैं तो अमीर बनने के बाद सीधा जाऊंगा थाईलैंड, वहां बुलाऊंगा रशियन और उनके गोरे गोरे हाथों से अपने सारे नीले पीले निशान मिटवा लूंगा, बाकी तुम देख लेना। रशियन ये बॉय, सोच सोच रशियन अपने गोरे हाथों से मसाज। अरे बता भैया ऐसा हो जाएगा क्या, निशान पूरी जान में हाथ लगाएगी वो। तो भैया चल रेडी हूँ, पर पक्का रशियन होनी चाहिए भैया, पहले बता रहा हूँ। चल ठीक है भैया, अभी आ रहा हूँ, देखिए तू बस अभी पहुंचा। अजी मेरा कद्दू करे काम, रशियन के बाद जाएगा भाई, निशान निशून मिटवाऊंगा सारे भैया।